नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की मतदान समाप्ति के बाद अब दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल का रुख किया है। 13 मई के बाद सपा के दिग्गज नेताओं ने जनपद में आने की बात पार्टी नेताओं द्वारा कही जा रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने के बाद दूसरी बार जनपद में जनसभा को संबोधित करने के लिए 16 मई को जनपद पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड और टेंट आदि लगाने का कार्य तेज हो गया है। पार्टी नेता इस जनसभा को सफल बनाने के लिए जगह जगह बैठ के करने के साथ ही लोगों से जनसभा में आने की अपील कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के लिए जनपद आए थे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के पास ही जनसभा को संबोधित किया था। अब एक बार फिर वह निजामाबाद तहसील के गंधुवई ग्राम सभा 16 मई को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा आजमगढ़ और लालगंज दोनों लोकसभा क्षेत्रों की जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो निजामाबाद की जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री पूर्वांचल की सभी सीट को साधने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर गंधुवई में तैयारियां तेज हो गईं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसभा को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। उनके द्वारा गांव-गांव में चौपाल और संवाद का आयोजन कर लोगों में इस जनसभा में पहुँचने की अपील की जा रही है। गर्मी और उमस को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर जर्मन हैंगर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक तरफ जेसीबी मशीनों को लगाकर मिट्टी को समतल करने का कार्य किया जा रहा है, वहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा हेलीपैड का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले रास्ते पर ईंटों आदि को बिछाने का भी कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान नीलम सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से कार्य किए हैं, जिसे जनता का उनके ऊपर विश्वास जगा है। अब वह 16 मई को जनपद में आ रहे हैं। ऐसे में मेरी सबसे अपील है कि लोग कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है? पहले तो आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे लालगंज लोकसभा की विधानसभा निजामाबाद में माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं। कार्यकर्ता हो या जनता हो, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न है माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे भारी संख्या में लोग पहुँच के स्वागत और अभिनंदन करें, ऐसा अपील भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से करना चाहूँगी। कितनी भीड़ यहाँ आने की संभावना है? कहाँ कौन कौन से विधानसभा लोकसभा के लोग आ रहे हैं? ऐसा है कि ये तो दो लोकसभा का है, आजमगढ़ और लालगंज का है, और भीड़ की बात अगर आप कहें तो मैं खुद भी नहीं बता सकती, बस इतना ही अंदाज़ा लगा सकती कि लाखों की भीड़ है। जहाँ जहाँ है सारे सारे लोग आने के लिए बहुत उत्साहित है। इस रैली को लेकर आप अपनी जीत को लेकर किस तरह आश्वस्त हैं अगर पीएम मोदी आते हैं, और आपके चुनाव प्रचार में किस तरह से इसको प्रभावित करेंगे? देखिए, माननीय मोदी जी का तो एक है कि चुनावी सभा में आ रहे हैं और उनका आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और माननीय मोदी जी का जो एक विचार है कि भाई हम सभी का साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका इसका असर हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। यहाँ जाति धर्म सारे बंधन टूट गए हैं और जाति बंधन टूट गए हैं और सारे लोग एक मत होकर के माननीय मोदी जी के साथ हो रहे हैं। अब आप ही लोग इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। Thank you.
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।